और बीजेपी पार्टी त्रिदेव सम्मेलन के जरिए बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है, लेकिन कई जगह उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जहां बीजेपी के कार्यक्रम में किसान पहुंचे और बैरिकेड्स तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया गया, इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हो गया। इंद्री में बीजेपी के त्रिदेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं किसानों और बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। लाभ के लिए ये काम करवाता है बीजेपी वाले कि किसानों का और जवानों का टकराव हो और इस आंदोलन को ये खराब कर सके। इनका बिल्कुल ये रवैया गलत है और ये अंदर बयान देते हैं ये गुंडे हैं। जब इनके वोट लिए तब ये गुंडे नहीं थे, इनको सर माने चाहिए, ऐसे बयानबाजी देते हैं। अब आगे देखते हैं जो भी है। तो ये हल्के के सभी त्रिदेव यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हीं का ये कैड कैंप पर ट्रेनिंग कैंप है, उन्हीं को निश्चित उनके लिए निश्चित सीटें यहाँ पर निश्चित की गई हैं। तो बूथ जैसे इन त्रिदेव में एक आता है हमारा बूथ अध्यक्ष, उसके साथ ही आता है पालक, बूथ का पालक, तीसरा आता है BLA 2, मतलब ये तीन जो पदाधिकारी हैं हमारे ग्राम स्तर के हैं, निम्न ये बूथ स्तर तक को इसको रचना की गई है। आज उन्हीं को हल्के के सभी तीन त्रिदेव को है, 214 के लगभग हमारे बूथ हैं, उन सभी के पदाधिकारी को यहाँ पर बुलाया गया। लगातार हम इनका विरोध कर रहे हैं, आज इंद्री में भी आए हैं विरोध करने के लिए, तो भारी संख्या में किसान इकट्ठे हो गए हैं। ये जो जगह इन्होंने हमें दी है ये हमें मंजूर नहीं, हमने आगे पैलेस तक जाना है। हमारे सीनियर नेता रामपाल चहल जी बात प्रशासन से कर रहे हैं, भाई हमने यहाँ पर नहीं रुकना, ये चीज इनको बात बोल दी है। त्रिदेव में हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और BLA 2, तो उनका सम्मेलन आज है। लगभग 600 के करीब यहाँ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पहुँचे गए त्रिदेव सम्मेलन में, और उसी के एक पार्टी की रीति नीति है, पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। और कल जैसे आप कह रहे हैं कि जुमला में जो कार्यक्रम, जुमला में कार्यक्रम इस वजह से पोस्टपोन हुआ था, मैंने कल भी बताया था कि हमारी तैयारी नहीं थी, क्योंकि जब भी ये त्रिदेव वो तो बेवजह विरोध कर रहे हैं, उनको तो केवल मनोहर सरकार का, मोदी सरकार का विरोध करना है, इनका कोई एजेंडा नहीं, केवल एक ही एजेंडा है, ठीक है ना। तो ये कृषि कानून किसानों के हक में है और ये ऑप्शन है, उसको जी करे इस्तेमाल करे, जी करे ना करे।